लोकसभा चुनाव के दो चरण बीत चुके हैं और पांच चरण बाकी हैं। मतदान प्रतिशत बहुत कम है। राजनीतिक दल पूरा जोर लगा रहे हैं कि मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाया जाए। चुनाव आयोग भी इस कोशिश में लगा हुआ है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए, लेकिन मुद्दे क्या चल रहे हैं ये जानने के लिए राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में हम मौजूद हैं। कुछ लोग स्थानीय हमारे साथ हैं जो रेहड़ी पटरी भी लगाते हैं, रेहड़ी पटरी पर अपना धंधा करते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं, कुछ सर्विस क्लास के लोग हैं। इन सभी से कुल मिलाकर के बातचीत की जाएगी। मुद्दे क्या हैं? मतदान प्रतिशत बहुत कम चल रहा है, मुद्दे जो हैं वो कहा जा रहा है कि असल मुद्दे बात नहीं की जा रही, असल मुद्दों पर नेताओं के द्वारा कुछ अन्य मुद्दों पर बात हो रही है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मूड है आप लोगों का? आम जनता बहुत त्रस्त है, इस सरकार से बहुत त्रस्त है। इतनी महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इसकी वजह से लोग गुस्सा वोट ना देके भी जाहिर कर रहे हैं, इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकना ज़रूरी है। आपको नहीं लगता कि मतदान करके गुस्सा दिखाना चाहिए, मतदान ना करके गुस्सा दिखाने से क्या मिलेगा? कुछ गुस्सा इस तरह भी लोग अपना जाहिर करना चाहते हैं। अच्छा। कुछ लोग इस तरह भी जाहिर करना चाहते हैं कि मतदान ना करके, कुछ युवा भी इस वोट में अपना भागीदारी नहीं कर रहे हैं, वोट नहीं दे रहे हैं, इससे भी गुस्सा निकाल रहे हैं लोग। आप बताइए आपका नाम क्या है? संजय। संजय जी, क्या मुद्दा आप लोग देख रहे हैं कि क्या तमाम मुद्दे चल रहे हैं? मुद्दों में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई और मुसलमान। महंगाई तो बहुत हो गई है आपके यहाँ से, और बेरोजगारी भी बहुत है, और चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर के बहुत जो है दिक्कतें आती हैं। देश के नेता क्या इन मुद्दों पर बातचीत करते दिख रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे हैं, सब फर्जी बातें बोलते हैं और कुछ नहीं करते हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? क्या टीवी भी देखते होंगे आप लोग, पेपर भी, अखबार भी पढ़ते हैं आप लोग, देखते भी हैं अपने नेताओं को क्या कह रहे हैं? आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं नेताओं से? नेताओं से कोई उम्मीदें नहीं, उन लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। नाउम्मीद हो चुके हैं। क्या नाम भैया आपका? सुरेश कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, बताइए कि जो मुद्दे चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाते हैं तो बड़े मुद्दे उठाते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, इन मुद्दों के बीच में असल मुद्दे पर चर्चा हो रही है या नहीं हो रही? बिल्कुल चर्चा नहीं हो पाती है सर। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बेरोजगारी और कोई भी रोजगार का की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, चरम सीमा पे है। अगर गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को रिलीज़ करती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हमारे युवा, बहुत सारे युवा पढ़े लिखे हैं जिन्होंने इतना पैसा लगा के अपनी पढ़ाई लिखाई की है, उनके लिए कोई ऑप्शंस बचा नहीं है। सबसे मेन बात यह है कि यही अगर ऑप्शंस अगर रोज़गार ही देते हैं युवाओं को, तो युवाओं के दिल में एक दूसरी भावना पैदा हो जाती है सरकार के लिए कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, और यही सबसे बड़ी मुद्दे की बात है। बाकी तो महंगाई क्या है, किसी तरह से तो आदमी वहन कर ही लेता है। पटरी दुकानदार है और ये भी काफ़ी परेशान है इस मतलब कि एकदम माहौल इस तरह से है, और सामान इतना ज़्यादा कॉस्टली है कि उसको वहन नहीं कर पाता है, और जो बेचता है, जो बनाता है, उसमें उसी का खर्चा नहीं चल पाता है, तो बाकी वो क्या करेगा। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? सौरभ तिवारी। अभी तक हमने जिन लोगों से बात की वो कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दा है, लेकिन जो मंचों से सुनाई पड़ रहा है वो तो मुसलमानों की बात होने लगी है। हिंदू मुसलमान तो ज़्यादा ही हो रहा है, उसमें एजुकेशन पे आप आदमी को ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम अपने ही बढ़ेगा, जब पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो यही होगा। हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं व्यवसाय करता हूँ। व्यवसाय करते हैं। ये बताइए कि हिंदू और मुसलमानों की जब बात होती है, कोई कहता है ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, घुसपैठिए आपके संसाधन ले लेंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे, सोना चांदी ले लेंगे, ये मुद्दा है आप लोग? ये कोई आपस में लड़ाई विवाद नहीं करना चाहता, वो भी अपन कमाना चाहते हैं, हम भी कमाना चाहते हैं, मिल के ही काम होता है। मगर नेता जो है ना, भड़काने से और कुछ नहीं आता, और कुछ नहीं। एजुकेशन को बढ़ावा दें, मेडिसिन और चिकित्सा में अच्छी सुविधाएं दें, कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान से रोटी नहीं मिलती है। हिंदू मुसलमान से रोटी नहीं मिल सकती? आप कितना सहमत हैं? नहीं, रोटी नहीं मिल सकती। मेन चीज़ ये है कि महंगाई, बेरोजगारी और युवा जो हैं सारे बेरोजगार हैं, ठीक है, किसी को कोई दो रोटी का कोई जुगाड़ नहीं। हाँ, आप क्या करते हैं? हम व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय ठीक ठाक है? ठीक ठाक चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या दिक्कत पेश होती है? मैं उसका ठेकेदारी करता हूँ। हाँ। क्या दिक्कतें आती हैं आपको ठेकेदारी? दिक्कत ये है कि एक रुपये का काम है, पाँच रुपये की लागत है। हाँ, पैसा बन नहीं रहा, बच नहीं रहा। नहीं, कोई मतलब नहीं। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित, ये बताओ, बेरोजगारी की सब लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन मुद्दों की बात की जाए तो सब सारे नेता जो हमारे देश के बड़े हैं वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के हित। हिंदू मुस्लिम की नहीं है बात, है इसकी
कि जो आदमी रोजमर्रा की जो जिंदगी जी रहा है उसको रोजी रोटी कमाने में दिक्कत है। बात हिंदू मुसलमान की कहीं नहीं। तो नेता क्यों है हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं? सब भड़काऊ हैं, इसका क्या बता सकते हैं, नेता सब भड़काऊ ही हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि मुद्दे क्या होने चाहिए, अपने नेताओं से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? अब मुद्दे तो यही होने चाहिए, बेरोजगारी और क्या, ये सब रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ, इसी पे है। सरकार तो कहती भाई इतना रोजगार, हमने लाखों नौकरियां दे दी, कहाँ से ना किसको दे दी, हम खुद प्रोपेगंडा है, कोई कुछ नहीं, खाली हवाई फायर है। बताइए भाई साहब कि सरकार प्रोपेगंडा कर रही है कि नौकरी दी है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने की बात सरकार करती है, ऐसा कुछ है? ऐसा कहीं कुछ होगा तो कागजों में होगा, अब जमीनी स्तर पे क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। और जो भी वोट नहीं कर रहे हैं वोट करना चाहिए, देश हित में करना चाहिए, और चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम तो एक अलग नेताओं का फैलाया हुआ भ्रम है, बाकी वोट करना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए, सबको वोट करना चाहिए। हिंदू मुसलमानों का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों को नजर आता है इस समय या? ये तो नेता नगरी की बात है, हिंदू मुस्लिम कोई भी कुछ ही वो नहीं है, मुस्लिम हो चाहे। मेन मुद्दा रोजगार का है भैया, क्योंकि रोजगार बढ़ेगा तो उससे अपने आप सबके दिमाग अपने आप जो है सेटिस्फाई हो जाएंगे इस चीज के लिए कि भाई मैं कमा रहा हूँ खा रहा हूँ, और ये कोई मुद्दा नहीं है भैया। जो है अतीक अंसारी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और इन सब के नाम खाली प्रोपेगंडा है, इस पे किसी को कोई मतलब नहीं है। देश के नेताओं को क्या आप लोगों के लिए करना चाहिए, क्या अपेक्षाएं पूरी होती दिख रही? 10 साल मोदी ने राज किया, सरकार मोदी सरकार चल रही है, वो कह रहे हैं तीसरी बार फिर आएंगे, 400 पार के नारा भी दिया गया है, क्या लगता है भैया? कुछ परसेंट जो है उनका जो काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आगे भी इसी तरह काम करते रहें। देखिए इन सब चीज़ों को ठीक होने में कुछ तो समय लगेगा, 10 साल में ही सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो इसको जो है उनको जो है जिस स्तर पे काम कर रहे हैं उसका स्तर और बढ़ाना चाहिए। क्या नाम है आपका भैया? अमित। क्या करते हो? मैं डिलीवरी बॉय हूँ। नेताओं के क्या कहोगे नेताओं के लिए? नेताओं के यहाँ तो क्या बताया, यहीं बगल में ही कुछ मंत्री लोग रहते हैं जिनके यहाँ जाओ तो घंटों खड़े रहो धूप में। अरे तो अभी तो वो लोग खड़े हैं धूप में वोट मांगने के लिए। वो खड़े नहीं है, खड़े करवा रहे हैं जी। क्या लगता है मुद्दा क्या होना चाहिए आप लोगों? मुद्दा तो मेरा यही होगा कि बदलाव हो कुछ अब जी। सरकार से त्रस्त हो चुकी जी? हाँ। आप बताइए आपका क्या मुद्दा? हमारा मुद्दा है किसान के हित में काम हो। किसान का आय दोगुनी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था किसान की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन अभी तक आय दोगुनी नहीं हुई है। छोटा पशुओं का बहुत भरमार है, और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान के हित में कोई काम नहीं किया तो परिवर्तन निश्चित है। आपको लगता है कि किया है कि नहीं किया है? कुछ नहीं किया, उनका जो विकास किसानों के हित में किया है वो धरातल पर उतरा नहीं है। गुंडे अपराधियों के लिए कहते हैं कि भाई कानून व्यवस्था हमने दुरुस्त कर दी, योगी सरकार कहती है वो सब बकवास है, गुंडे अपराधी तो खुलेआम घूम रहे हैं, कौन सा गुंडा अंदर हो गया, सभी तो घूम रहे हैं। कहा जाता है कि बहुत सारे जो विपक्षी दल के नेता हैं वो फातिहा पढ़ते हैं जाके तमाम माफियाओं के यहाँ, तो इस बात को जब नेता कहते हैं आपके प्रदेश के उद्देश्य के, तो आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? नहीं, नेताओं पर इतना कोई विश्वास करने लायक अब बचा नहीं है, वो तो दर बदलू हो गए हैं, आज इसमें कल उसमें, इसलिए नेताओं का कोई अब जनता विश्वास नहीं कर रही। इसी पे नेता भरोसा होता है? नहीं, भरोसा उड़ गया है। जनता को क्या चाहिए? जनता को भैया चाहिए कि मतलब उसके लिए जो वो जिस चीज़ से वो सेटिस्फाई होना चाहते हैं वो हो जाए, तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं भैया। मेन चीज़ युवा है हमारे यहाँ, क्योंकि युवा शक्ति और छात्र शक्ति, युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है, इसी के अगेंस्ट वो लोग काम करते हैं, पढ़ लिख करके उसके बाद दो दो तीन तीन साल घर में अगर बैठे रहें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो काम उसी तरह से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट अपने इस तरह से जो भी करती है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए उसके, हम कभी किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, वो अखिलेश भैया की थी, मायावती जी की थी, और ये BJP गवर्नमेंट चल रही है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, मगर ये है कि अगर पब्लिक खुश है तो आप समझ लीजिए सब खुश है, और उससे कोई दिक्कत किसी को। पब्लिक को खुश करने के लिए ही तो सब सारे नेता लगे हुए हैं कि पब्लिक खुश, पब्लिक को खुश करने के लिए, लेकिन पब्लिक खुश हो नहीं पा रही उनसे। पब्लिक को खुश करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं ऐसा जनता का भी कहना है, लेकिन पब्लिक को कोई खुश नहीं कर पा रहा है। मंचों से, बड़े बड़े मंचों से कोई भी मुद्दा बोला जाए, तमाम मुद्दे बोले जाते हैं,
कई मुद्दों पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो बोलते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता बोलते हैं, कांग्रेस के नेता बोलते हैं, बीएसपी के नेता बोलते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के सामने जो मुद्दा सबसे बड़ा दिखता है वो बेरोजगारी का है, वो महंगाई का है। और महंगाई और बेरोजगारी को लेकर इन सब का एक मत है कि इस पर सरकारों को बहुत दृढ़ता के साथ काम करना चाहिए। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।